नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 12 मीटर हाई एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. देखो एक टावर गिवन है जिसकी हाइट है 12 मीटर. ठीक है, सो मान लो ये ए वी इज द टावर. ओके, एंड इसकी हाइट है 12 मीटर. एंड फिर बोला है कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी. ठीक, एंड इस सी का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए. एंड ए हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, सो ए एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. तो ये हमें गिवन है 30 डिग्री. ठीक है, ओके, सो लेट हमें निकालना है ए सी. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी. ठीक है, सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए. ठीक है, एंड ए क्या है, टॉप ऑफ टावर. एंड सी, सी क्या है, द पॉइंट ऑन ग्राउंड. ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड. एंड हम इसको मान लेते हैं एक्स. ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक्स मीटर है, बी एक्स मीटर. ओके, सो ये डिस्टेंस जो है ये हमने मान लिए कि x मीटर है. ओके, एक बार फिगर से चलो. ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये x मीटर है, ये हमने मान लिया है. ओके, नाउ देखो ये एंगल 30 डिग्री है एंड ये टोटल एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, ये जो है ये टोटल टोटल एंगल 90 डिग्री है. सो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, डेट इज 60 डिग्री. ठीक, सो इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अगर हम निकालें यहां से कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होगा. देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस होगा ए बी एंड हाइपोटेनियस होगी ए सी. ठीक है, सो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी. एंड ए बी गिवन है 12. ठीक है, एंड ए सी गिवन है, ए सी हमने लिया है x. ठीक है, एंड वी नो डेट कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाई टू. सो ये आ जाएगा 1 बाई टू इज इक्वल टू 12 अपॉन x. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो x इक्वल टू वी गेट 24 मीटर. तो दिस इज द आंसर. देखो इसमें आंसर गिवन है 12 इंटू रूट 3 मीटर, तो ये शायद गलत होगा. ओके, करेक्ट आंसर इज 24 मीटर. तो ये जो लेंथ आ गई 24 मीटर.